द डायमंड टैटू स्टूडियो एंड प्रेसेस, ग्वालियर कलेक्शन कटपीस सेंटर, श्री लक्ष्मी प्रसन्ना ट्रेडर्स स्पेशलिस्ट इन एडिबल ऑयल कोकोनट ऑयल एंड घी अवेलेबल हियर। सिद्धरमैया के सर पर होगा सीएम का ताज, डिप्टी सीएम होंगे डीके शिवकुमार। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। कर्नाटका के नए सीएम का ताज सजेगा सिद्धरमैया के सर। 13 मई को कर्नाटक असेंबली इलेक्शन 2023 का रिजल्ट सामने आया, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ी बहुमत से जीत मिली। 13 में से 17 में रात देर गए तक सीएम को लेकर दिल्ली में बैठक की गई। इस बीच कर्नाटक का नए सीएम सिद्धरमैया या डीके शिवकुमार को बनाने को लेकर पूरी दिल्ली में बैठक का दौर चला। 135 सीटें जो कर्नाटक में आई हैं, इसमें दोनों का योगदान रहा। किस तरह से दोनों को सरकार में हिस्सा दिया जाए, इसको लेकर पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली में बैठकों का दौर चला। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक अब फैसला सामने आया, जिसमें सीएम सिद्धरमैया को बनाया जाएगा और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बनाया जाएगा। काउंसिल लीडर साहब, डॉक्टर साहब, प्लीज कम। Alight Industry AAC Blocks, construct your dream home with quality products. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. So Home Electronics, home appliance, furniture. 20 मई 2023 को बेंगलुरु में सीएम पद की शपथ लेंगे सिद्धरमैया, तो वही डिप्टी सीएम के तौर पर डीके शिवकुमार लेंगे शपथ। 135 MLAs में बराबर दोनों के बीच मिनिस्ट्री भी बांटी जाएगी, क्योंकि सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, इसीलिए दोनों के बीच बराबर की मिनिस्ट्री बांटी जाएगी। सिद्धरमैया जी ने प्रदेश के कोने कोने में जाकर चुनाव प्रचार किया। डीके शिवकुमार जी, जिनका चुनावी संगठन में उनका माहिरपन, उनकी काबिलियत के लिए वो मशहूर हैं, जाने जाते हैं, उन्होंने जहां उन्हें कमी लगी वो सारा गैप भर के एक नई ताकत का संचार चुनाव को दिया। तो ये जीत कांग्रेस के नेतृत्व के सामूहिक जीत है और उसके साथ साथ कर्नाटक के लोगों की जीत है। ARK गिरी सिल्क एंड सारी रेसिडेंसी इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल एडमिशंस आर ओपन। कर्नाटका पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम एडमिशंस आर ओपन। जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, 13 तारीख की रात को नतीजे आए, 14 तारीख और 15 तारीख देर सुबह तक हमारे तीनों ऑब्जर्वर्स ने मंत्रणा की, 15 की रात को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी। 2 दिन चर्चा का दौर चला और 2 दिन की मंत्रणा और कंसेंसस के बाद, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा साफ तौर से कि वो सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से, कांग्रेस के सारे नेतृत्व से चर्चा करेंगे, पुराने नए सब लोगों से चर्चा करेंगे, प्रदेश के लोगों से चर्चा करेंगे, दोनों नेताओं से चर्चा करेंगे। मैं ये फिर दोहराऊंगा, जैसा मेरे आदरणीय महासचिव संगठन ने कहा, हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं, दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण हैं और कई और ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत है, पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है, इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिवकुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे, ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे। 20 तारीख को ओथ होगी, आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बैंगलोर में, 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे,
बाकी के सवाल जो हैं उनका जवाब हम बाद में देंगे।